नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्विक आंसर पर। दोस्तों आज हम जानते हैं कि आज कौन सा डे, आज दोस्तों एस्टेरॉयड डे है। और दोस्तों इसी एस्टेरॉयड डे के उपलक्ष में आज हम अंतरिक्ष के अंदर आने वाले ये विशाल एस्टेरॉयड के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों अंतरिक्ष से आने वाली विशाल चट्टाने जो कि कितनी खतरनाक होती है और क्या होता है एस्टेरॉयड, कितना विशाल होते हैं ये एस्टेरॉयड, कैसे एस्टेरॉयड हमारे लिए खतरनाक होता है तथा धरती के लिए चिंता का विषय बनता है, एस्टेरॉयड और उल्कापिंड के अंदर क्या अंतर होता है, दोस्तों आज हम इन्हीं टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ब्रह्मांड में दोस्तों हम अकेले नहीं हैं। धरती के बाहर हमें जीवन भले ही ना मिला हो लेकिन अंतरिक्ष से कई मेहमान हमारे करीब से गुजर जाते हैं। आमतौर पर मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित बेल्ट से आने वाली चट्टाने धरती ही नहीं सौरमंडल और ब्रह्मांड के जन्म और विकास के कई सवालों का जवाब दे सकती है। ये चट्टाने दोस्तों एस्टेरॉयड कहलाती है। दोस्तों एस्टेरॉयड डे पर आप कुछ खास बातें समझिए। आप दोस्तों एस्टेरॉयड क्या होता है? एस्टेरॉयड वे चट्टाने होती है जो किसी ग्रह की तरह ही सूरज के चक्कर काटती है, लेकिन ये आकार में ग्रह से काफ़ी छोटी होती है। हमारे सोलर सिस्टम में ज़्यादातर एस्टेरॉयड मंगल ग्रह और बृहस्पति यानी मार्स और जुपिटर की कक्षाओं में एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी ये दूसरे ग्रहों की कक्षा में घूमते रहते हैं और ग्रह के साथ ही सूरज का चक्कर काटते रहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं एस्टेरॉयड कितने विशाल होते हैं। करीब 4.5 अरब साल पहले जब हमारा सोलर सिस्टम बना था तब गैस और धूल के ऐसे बादल जो किसी ग्रह का आकार नहीं ले पाए और पीछे छूट गए वही इन बड़ी चट्टानों यानी एस्टेरॉयड में तब्दील हो गए। यही वजह है कि इनका आकार भी ग्रहों की तरह गोल नहीं होता है। ब्रह्मांड में कई ऐसे एस्टेरॉयड हैं जिनका डायमीटर सैकड़ों मिलीमीटर का होता है और दोस्तों ज़्यादातर किसी छोटे से पत्थर के बराबर होते हैं। ग्रहों के साथ ही पैदा होने के कारण इन्हें स्टडी करके ब्रह्मांड सौरमंडल और ग्रहों की उत्पत्ति से जुड़े सवालों के जवाब खोजे जा सकते हैं। दोस्तों एस्टेरॉयड कैसे हमारे लिए खतरनाक होते हैं? अगर किसी तेज रफ्तार चट्टान के धरती से करीब 46 लाख मील से करीब आने की संभावना होती है तो उसे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन खतरनाक मानते हैं। नासा का सेंट्री सिस्टम ऐसे खतरों पर पहले से ही नज़र रखता है। इस सिस्टम के मुताबिक जिन एस्टेरॉयड से धरती को वाकई खतरे की आशंका होती है वह है अभी 850 साल दूर है। दोस्तों धरती के लिए ये चिंता का विषय कैसे है? साल 2080 में न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितना बड़ा एस्टेरॉयड 29075 DA के पृथ्वी की ओर की आने की आशंका है। हालांकि वैज्ञानिकों को विश्वास है कि आने वाले वक्त में प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम विकसित कर लिया जाएगा जिस पर काम पहले से ही चालू है। दोस्तों अब बात करते हैं कि एस्टेरॉयड और उल्कापिंड के अंदर क्या अंतर है। दोस्तों उल्कापिंड एस्टेरॉयड का ही हिस्सा होते हैं। किसी वजह से एस्टेरॉयड के टुकड़े हो जाने के कारण ये छोटे छोटे उल्कापिंड के अंदर बदल जाते हैं। दोस्तों जिसे उल्कापिंड यानी मेट्रोइड कहते हैं, जब ये उल्कापिंड धरती के करीब पहुँचते हैं तो इन्हें वायुमंडल के संपर्क में आने से के साथ ये जल उठते हैं और हमें दिखाई देती है एक रोशनी जो शूटिंग स्टार यानी टूटते तारे की तरह लगती है। लेकिन ये वाकई में दोस्तों तारे नहीं होते हैं, ये कमेट यानी धूमकेतु भी नहीं होते। दोस्तों ये होते हैं उल्कापिंड जो कि एस्टेरॉयड के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के कारण तब्दील हो जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों एस्टेरॉयड डे के उपलक्ष में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।